देखने मिलेगा। शुरुआत गोल्डा सिल्वर से करते हैं, हमने देखा। नमस्कार, जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह मेजर नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुख देखने मिलेगा। शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करते हैं, हमने देखा कि गोल्ड ने 53,100 के करीब की ऊंचाइयां छुई है और 53,000 के करीब की क्लोजिंग आई है। वहीं चांदी में भी हमने देखा कि लगभग 69,000 के ऊपर के लेवल छूकर वहीं क्लोज देने में कामयाब हुआ है। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि ये जो तेज़ी है जारी रहेगी। डॉलर टर्म्स में $1980 एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट है, उसके करीब दोबारा प्राइसेस आ सकती हैं, यानी डोमेस्टिक मार्केट में 53,300 तक के स्तर छू सकता है बाज़ार। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो लगभग $25.9 के आसपास के हाइज बन सकते हैं, यानी 70,200 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो हमने जिंक में बढ़िया तेज़ी आते हुए देखी है और 380 के करीब के हाइज बनते हुए देखे हैं। हालांकि क्लोजिंग जो है 372 के करीब देने में कामयाब हुई हैं प्राइजेस। आने वाले हफ्ते में 364 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अपसाइड में हमें 384 तक के न्यू रीसेंट हाइज देखने मिलेंगे, तो जिंक में जो है तेज़ी जारी रहने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। वहीं अगर हम कॉपर की बात करें तो 808 से 810 का एक सपोर्ट जोन है, जब तक ये होल्ड कर पा रहा है तब तक 830 से 32 तक के स्तर हमें देखने मिल सकते हैं, तो तेज़ी की गुंजाइश यहाँ पर भी बनी हुई है। हालांकि M6 एल्यूमिनियम में 275 से 276 के करीब एक रेजिस्टेंस है, अगर वो लेवल पार नहीं होता तो हमें नरमी दिखाई दे सकती है 264 से 65 तक की, तो यहाँ पर सेल ऑन रैली की सलाह मैं देना चाहूँगा। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने शानदार रिकवरी M6 क्रूड ऑयल में आते हुए देखी है। हमने पिछले दो हफ्तों में डिस्कस किया था कि 7,000 से 7,100 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये होल्ड कर जाएगा बाज़ार, वहाँ से एक रिलीफ रैली 7,900 तक देखने मिलेगी। उससे भी ऊपर यानी 8,080 के आसपास हमने क्लोजिंग आते हुए देखी है क्रूड ऑयल में, तो ऐसा लगता है कि यहाँ से तेज़ी देखने मिलेगी। डिप पे बाइंग करना चाहिए, 7,800 से 7,700 के बीच अगर मिले तो अच्छी एक एंट्री पॉइंट मिलेगी, 8,400 तक का एक मीडियम टर्म टारगेट लिया जा सकता है। वहीं बढ़िया तेज़ी हमने M6 नेचुरल गैस में भी आते हुए देखी है, 510 के ऊपर के स्तर हमें देखने मिले हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि हम काफ़ी बढ़िया तेज़ी के साथ हमने क्लोजिंग आते हुए देखी है, तो आने वाले दिनों में भी ये तेज़ी जो है वो जारी रहेगी और ऐसा लगता है कि कुछ ही समय में हम 580 और उसके बाद 630 तक के स्तर को छू पाएंगे। तो जो एक इमीडिएट तौर पर 510 का ब्रेकआउट है उसके करीब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा, इमीडिएट सपोर्ट 530 के करीब होगा। जो भी डिप मिले वहाँ पर बाइंग की जानी चाहिए और अपसाइड में 580 और 630 तक के मीडियम टर्म तक टारगेट्स लेके चला जा सकता है। तो ये था एक जायज़ा कि जो मेजर नॉन एग्री कमोडिटीज़ है उनमें आने वाले कुछ दिनों में क्या रुझान देखने मिलेगा। धन्यवाद।